देखिए कौमी असेंबली का इजलास जो है वो आईन की शिक 91-2 के तहत होना है 29th इज द लास्ट डेट। उससे पहले पहले सदर मुमलकत किसी वक्त भी बुला सकते हैं, लेकिन आईन की क्लास ये कहती है कि अगर सदर मुमलकत ने नहीं बुलाया हुआ तो 29th को बाहर हाल बाहर कैप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इजलास होना है और ये इख्तियार हासिल है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को और स्पीकर को कि वो इजलास बुला लें, तो होपफुली ये इजलास हो जाएगा। लेकिन सदर मुमलकत का जो तर्ज अमल है उस पर बात हो रही है, अंदोशतमाई हो रही है, उन्होंने ऑलमोस्ट 6 साल का जो अरसा है वो एक पार्टीजन प्रेसिडेंट के तौर पे गुजारा है जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले बहुत से सुदूर रहे हैं, फजल इलाही चौधरी रहे हैं, रफीक तार रहे हैं, ममनून हुसैन रहे हैं, उससे पहले फारूक लगारी रहे हैं, सदर आसफ सरदारी रहे हैं, तो इन सब की पॉलिटिकल बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल एफिलिएशन बिल्कुल, और इन्होंने सियासी मुखालफिन से प्राइम मिनिस्टर का वो लिया है, हल्फ लिया है बिल्कुल। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि पॉलिटिकल अपोनेंट होने के बावजूद बड़ी खंदा पेशानी से फारूक लगारी साहब ने 1997 में हल्फ लिया था नवाज शरीफ साहब से, तो उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से हल्फ लिया, उसके बाद फिर इमरान खान साहब से ममनून हुसैन साहब ने लिया, ममनून हुसैन ने लिया, तो ये कोई अच्छी रिवायात हमारी रही है। अब के ये है कि जो ही तहरीके अदम एतमाद हो गई और एक नई हुकूमत बन गई तो अलवी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इनसे हल्फ नहीं लूंगा, लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ से और उनकी काबीना से हल्फ नहीं लिया, ये काम फिर सादिक संजरानी साहब को करना पड़ा। इसी तरह उनकी उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आंखें बंद करके दायर कर दिया, जिसको फिर खिलाफ आइन भी कहा गया, सदर की आइन शिक्षी की बात हुई, जब वो तो बाद में उन्होंने कहा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं, वो जी जी एग्जैक्टली। तो 2022 में जब कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आई तो भी उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, जो ही उन्हें मालूम हो गया था कि वजीर आजम अक्सरियत हो चुका है, उन्हें जो दस्तूरी आईनी जमहूरी रिवायात और अख्तियार हैं उसके तहत असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने असेंबली भी तोड़ दी, उनके इस इकदाम को भी खिलाफ कानून और खिलाफ आईन करार दिया गया, तो वो कोई अच्छी रिवायात कायम करके नहीं जा रहे। 77 ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किए अपने, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि पार्लियामेंट भी है, सेनेट भी है, कौमी असेंबली भी है, इदारे मौजूद हैं और मैं ये काम ना करूं। किसी दौरे हुकूमत पे मशगूल फौजी अदवारे हुकूमत कितने ऑर्डिनेंस जारी, ये रिकॉर्ड है। तो ये जब ऑर्डिनेंस जारी होता है तो ये पार्लियामेंट की तौहीन होती है और इसमें वो शरीक रहे हैं पूरी तरह। तो आपको लगता है कि कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है या फिर वो मेरा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल नहीं, आईन बनाने वालों ने शायद इस तरह की सिचुएशन को जहन में रखा था, जो 91-2 के अल्फाज हैं उनमें कोई अभाम नहीं है, बड़े क्लियर हैं, उसमें कहा गया है कि अगर सदर मुमलकत पहले इजलास नहीं बुला लेते, यानी अगर 29 से पहले अलवी साहब यानी कि 21 दिन के अंदर नहीं बुलाते, हाँ जी, तो फिर 21वें दिन इजलास होना ही होना है, उसमें फिर उनका इख्तियार जो है वो खत्म हो जाता है, ये इख्तियार मुंतकिल हो जाता है। और मेरा ख्याल ये है कि आजकल में ये क्लैरिटी आ जाएगी, वज़ीर आज़म हो सकता है पूछ लें लॉर्ड विलियम से कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद वो बता देंगे। खान साहब एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लैरिटी चाहती है और क्लैरिटी मांगती है, आपके बड़े जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त इतिहादी भी थे ड्यूरिंग द इलेक्शंस जिनके साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट भी हुई थी, मैं एमकेएम पाकिस्तान के वाले से बात कर रही हूँ, अब वो भी कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि शायद वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएँ, तो आप लोगों के साथ उनके अभी मुज़ाकराती जो हैं वो दौरे भी हुए हैं, वो भी लाहौर में भी आपके साथ उनकी मुलाकात हुई, दिन आपके इस्लामाबाद में भी उनके साथ मीटिंग्स रहीं, क्या सिचुएशन आगे बढ़ती हुई है, अब आप हमें आप ही में बता सकते हैं कि क्या वो आपके साथ आके विफाक में साथ बैठ रहे या फिर ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठेंगे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो ऑपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, उनके तो मामला फंस कर रहा है, ये तो बताएं हमें। जी कुछ नहीं चल रहा, देखिए जब कोलिशंस होती हैं ना और दो मुख्तलिफ जमातें होती हैं, उनके अहदाफ अलग होते हैं, उनके मकासिद अलग होते हैं, जो PMLN है वो बहुत इंटरेस्टेड होगी मरकज के अंदर, मरकज के मामलात के अंदर, कानून साजी के अंदर, IMF के मामलात है, मालियात को कैसे संभालना है, MQM जो है वो कराची स्पेसिफिक उसके मुतालबात होंगे या उसके अहदाफ होंगे, मकासिद होंगे, तो इसलिए मिल बैठते हैं, मिल बैठ के तय करते हैं और दो मुख्तलिफ राय रखने वाले या मुख्तलिफ अहदाफ रखने वाले ग्रुप्स जो होते हैं
वजारतों के हवाले से वजारतें ज्यादा मांग रही है, ये क्या मसला है? ये आनी तरमीम जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, एम के एम का मौकफ ये था कि वो वजारतों से ज्यादा वो आयनी तरामीम पर बात करना चाह रहे थे, तो क्या आपका ख्याल है कि वो आयनी तरामीम पर ज्यादा जोर दे रहे? देखें, जहां तक आइनी तरमीम का ताल्लुक है, उनका बड़ा मुतालबा ये था कि जो बल्दियाती इदारे हैं या बल्दियाती निज़ाम है, इसको आइनी तहफ़ दे दिया जाए, जिस तरह के कौमी असम्बली को तहफ़ हासिल है या सेनेट को तहफ़ हासिल है, और एक टूट भी जाए तो एक खास मुद्दत में इंतखाबात जरूरी है, इसी तरह बल्दियाती निज़ाम को भी आइन के अंदर एक शक्ल दे दी जाए। हमने जो अपना दस्तूर बनाया है तो एम क्यू एम की इस डिमांड को हमने अपने पेश नजर रखा, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बात शामिल है कि हम एक आइनी तरमीम के जरिए बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़ देंगे, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हम एग्री कर चुके हैं। इसके बाद अगर तो फिर एग्रीमेंट कहाँ पे नहीं हो रहा, ये बताएं। वो ना हम और एमपीएम कर सकते हैं मिलके, उसके लिए पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड होना है और उसके लिए कुछ और लोगों को भी होना है, तब जाके टू थर्ड होगी, तो इसलिए कंसेंसस बड़ा जरूरी है, सिर्फ हमारा एग्री कर लेना एमपीएम से काफी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इरफान सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो जो नंबर्स हैं उसको देखते हुए तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन सेफली से रैप कि पंजाब असम्बली में पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब होने जा रही हैं। इससे पहले मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी लाहौर के लिए, सिंस मैं भी एक लाहौर की हूँ तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं जो कुछ महीनों के अंदर की गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा एक तरह से चैलेंज भी छोड़ के जा रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब के वाले से बात करूं वो मरीम नवाज के लिए, कि क्योंकि हमने पंजाब में देखा है कि यू परफॉर्मेंस ये ज़्यादा क्राइटेरिया होता है कि जी वज़ीर आला कौन होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है, पंजाब में परफॉर्मेंस के जो मॉडल्स हैं उनको बड़ी अहमियत दी जाती है, यहाँ नवाज शरीफ खुद रहे और उन्होंने बड़े काम किए, फिर शहबाज साहब ने बड़े उम्दा रिकॉर्ड, परवेज इलाही साहब का दौर अच्छा रहा है और परफॉर्मेंस उन्होंने भी अपने तौर पे बहुत अच्छी दिखाई है, और उसके बाद अभी हालिया दिनों में नकी साहब ने बड़ा काम किया है, तो पंजाब को परफॉर्मेंस के पैमाने से देखा जाएगा, ये मरियम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मरियम के अंदर जो मैंने देखा है कि वो बड़ी पॉलिटिकल विल की हद तक, आजम की हद तक, इरादे की हद तक और काम करने की स्पिरिट की हद तक वो बड़ी पुख्ता खातून है, वो बहुत काम करती हैं, आराम बहुत कम करती हैं, पर्सनल बहुत तवज्जो देती हैं, मामलात के अंदर बड़ी निचली सतह पे जाती हैं, तो मुझे यकीन है कि उन जैसी मेहनती और ज़हीन खातून जो है वो, और पहली खातून वज़ीर आला, एक अच्छा इंशाल्लाह सफ़र शुरू करने जा रही हैं आज, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी अच्छी टीम का इंतखाब भी करना होगा, और जो बहुत उम्दा मॉडल्स हैं पंजाब के अंदर मिलते हैं वज़ारत आला के हवाले से, उनको पेश नज़र रखते हुए उन्हें जाहिर है मियां साहब की भी रहनुमाई हासिल होगी, अपने वालिद की और शाहबाज साहब भी, एंड आई होप कि अपने वो चचा की वो जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी होती थी, जो गवर्नेंस उनकी अच्छी दिखाई देती थी, हमें वैसी दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया जी इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। असलम भाई, हम तो सिंध में भी सुन रहे थे कि हो सकता है फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उनको वज़ीर आला जो है वो नॉमिनेट किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए था नहीं वो, आपस के बाबताओं कुछ खबरें इस तरह की थी, लेकिन फोकस मुराद अली शाह साहब पर ही था। अच्छा, इस दौड़ में तीन चार नाम जो आते हैं, नासिर शाह साहब भी, शर्जील मेमन साहब का भी नाम था, फरियाल तालपुर एक उम्मीदवार के तौर पर थी, और बिलखसूस ज्यादा मजबूत इसलिए हुई थी जब मरियम नवाज वाला मामला आया था, कि जब मरियम नवाज साहबा आ गई थी पंजाब के लिए कि उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है, तो मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से भी, एक सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब पंजाब में आ सकती हैं खातून वज़ीर आला तो सिंध में क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन हमें एक अंदाज़ा ये था कि मुराद अली शाह साहब एक जो बिलावल साहब भी हों और जरदारी साहब भी हों, उनको उनका फोकस ये होगा कि मुराद अली शाह को कंटिन्यू करें, हालांकि एक बड़ा नाम दोनों के मुश्तरका कैंडिडेट, जी हाँ ये दोनों के मुश्तरका, ये पहले कहा जा रहा था कि शायद ये दोनों को मुश्तरका नहीं, लेकिन ये दोनों को मुश्तरका कैंडिडेट है, और फिर वो फरियाल साहबा का भी जाहिर है कि जिस तरह कल अवेश साहब ने भी कहा कि वो एक मेंटोर के तौर पर आप देखें कि जब उन्होंने बात की तो जरदारी साहब के साथ साथ उन्होंने फरियाल तालपुर साहबा का भी शुक्रिया अदा किया, तो एक बड़ा एक था इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा फोकस सबसे जो फोकस है वो मुराद अली शाह साहब पर था कि वो होंगे, लेकिन नासिर शाह साहब भी चूँकि दौड़ में आप देखें 18 था,
उसमें भी ये दो तीन नाम थे, शर्जील साहब भी थे, नाते शाह और फरियाल तालपुर। और इस बार जब पंजाब में थी तो सिंध में बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था कि आप आ जाएंगी, लेकिन फिर एक और चांस मिला जिसे कहते हैं कि हैट्रिक करने का, और हैट्रिक की। अच्छा असलम भाई, आप तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपने नाज़रीन को दिखाती चलूँ कि चलें सिंध असेंबली का आज लास्ट वॉच होगा, फिर हम देखेंगे ऑफकोर्स जो नंबर्स हैं तो कवीम खान है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो वज़ीर आला सिंध बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी अरकीन सिंध असम्बली हैं उनसे हमने पूछा कि ठीक है अवाम के वोटों पे आप आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पता भी है कि अवाम के मसले मसाइल क्या हैं, ये सब्ज़ी दाल आटे का भाव क्या है, तो उनसे जनाब ये तमाम तो सवाल पूछे हफीज़ बलोच ने।